मैंने एक चम्मच घी डाल दिया है। और जब घी हमारा थोड़ा गर्म हो जाएगा तो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़े से बादाम। तो ये देखिए मैंने 10 से 12 थोड़े बादाम ले रखे हैं और ये हम इसमें डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लेंगे। ये देखिए गर्म हो गया है तो मैंने इसमें डाल दिया है इसको और इस तरीके से इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। घी पर अगर हम कोई भी चीज़ फ्राई करके बनाते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो एक तो ये जो है अगर आप थोड़ी देर रखेंगे मतलब 2-4 दिन तो टेस्ट में अंतर भी नहीं आएगा और जो है खाने में भी जो बनेगा वो बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो बस ये देखिए गैस का फ्लेम मैंने इसे थोड़ा सा मीडियम हाई कर दिया है और इसको अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये फ्राई हो गया तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये दो इसमें रह गए हैं और जितना घी है उस पर हमको और घी नहीं डालना है। और गैस मैंने थोड़ी सी फिर से स्लो कर ली है और ये देखिए ये एक कप मैंने सिंघाड़े का आटा लिया है और इसको इसमें डाल देते हैं और अब हम इसको जो है भूनेंगे। ये आपको जो है मीडियम गैस पे ही जो है इसको भूनना है। तो ये देखिए गैस मैंने थोड़ी मीडियम कर दी है और अब हम इसको जो है भूनते हैं। जैसे जैसे ये भुनता जाएगा इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा और जो है अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी। तो इस तरीके से आप इसको भूनते रहिए। ये देखिए ये जो है अच्छे से भुन गया है। ये हम लोग को जो है कम से कम जो है 8 से 9 मिनट लगे और मैंने गैस बंद कर दी है और एक साइड मैंने पानी जो है बॉईल करने के लिए रख दिया है। और इसको जब तक थोड़ा सा 5 मिनट थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे जब तक ये हमारा पानी गर्म हो जाता है, फिर हम गर्म पानी इसमें डालेंगे। देखिए पानी ये जो है हमारा गर्म हो गया है तो अब हम इसकी गैस बंद कर देते हैं और इसको जो है इसकी गैस ऑन कर लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे, हमने एक कप जो है ये लिया था सिंघाड़े का आटा तो हम इसमें एक कप चीनी डाल रहे हैं और इसको थोड़ा सा चला लेते हैं। गैस का फ्लेम आपको जो है थोड़ा सा मीडियम ही कर दीजिएगा। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो सिंघाड़े के आटा हमारा एक कप है तो हम इसके 3 कप जो है इसमें पानी डाल देते हैं। देखिए मैं जिससे मैंने मेज़र किया है उसी को लेते हैं। इसको कंटिन्यूस चलाते हैं ताकि इसमें जो है लम्स ना रहे। तो आप इसको चलाते रहिए, जल्दी जल्दी प्रोसेस करिए ताकि इसमें जो है। और ये देखिए जैसे ही कढ़ाई किनारे छोड़ने लगा है तो हम आप इसमें चाहें तो और अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। ये बनाने में मात्र 15 मिनट लगते हैं। देखिए किनारे जो है ये कढ़ाई छोड़ रहा है तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मखाने का पाउडर। ये मैंने मखाने जो है भून के रखे हुए हैं तो इसको थोड़ा सा डाल देते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा मखाने का पाउडर डाल दीजिए और इसको भी चला लेते हैं। बहुत ही इंस्टेंट बनने वाला ये जो है। और अब हम फिर से इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच घी। अगर आपकी ज़्यादा पसंद करते तो और डालिए, लेकिन जो है ये कम घी में बहुत ही अच्छी जो है आप इसको हलवा बर्फ़ी आप इसको जमा भी देंगे तो भी ये जो है जम जाएगी और इसको आप व्रत में खा सकते हैं, बहुत ही हेल्दी है। तो ये देखिए कढ़ाई छोड़ रही है, इसका मतलब ये जो है जमने की प्रोसेस में आ गई है। तो अब हम किसी भी थाली प्लेट किसी में घी लगा लेते हैं और इसको जो है बंद कर देते हैं और हम किसी भी प्लेट में थोड़ा सा घी जो है इस तरीके से लगा देते हैं ताकि आसानी से निकल जाए।
इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा फैला दीजिए। तो अब हमने जो ये जो है बादाम फ्राई करके रखे हुए थे उसको हम थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डाल देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं ताकि ये जो है थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो इसके पीसेस आसानी से कट जाएंगे। बहुत ही जल्दी बनने वाली जो है ये बर्फ़ी है और इसमें बहुत ही कम और हेल्दी भी है क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही कम चीज़ों का यूज़ किया है और आप इसको व्रत में बना के खा सकते हैं। तो हम इसको कम से कम 15 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने देंगे तो जिससे इसके पीसेस आसानी से कट जाएं। ये देखिए हमारी जो है बर्फ़ी ठंडी हो गई है। 10 मिनट में अगर आपको थोड़ी जल्दी है तो जो है पैन के नीचे रख दीजिए तो ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो देखिए अब हम इसके पीसेस काटते हैं। देखिए ये आसानी से कट रही है। बहुत ही जल्दी बनने वाली ये व्रत की जो है। हाँ तो ये देखिए किनारे साइड वाला थोड़ा सा हटा दीजिए और ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी जो है बर्फी एकदम तैयार है। इसी तरीके से इसके सारे पीसेस निकल जाएंगे और बहुत ही झटपट बनने वाली ये सिंघाड़े के आटे की जो है बर्फी रेडी है। इसी तरह हम इसके सारे पीसेस निकाल लेते हैं। ये देखिए ये हमने इस तरीके से सजा दी है हमारी झटपट बनने वाली इस तरीके से हम इसको रखते हैं। ये देखिए हमारी कितनी बढ़िया जो है सिंघाड़े के आटे की बर्फी रेडी है। आप इसको इंस्टेंट बना सकते हैं और आप इसको दूध दही ऐसे भी इसको खा सकते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा ये रेसिपी। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है।